मैं आसमान में ही हूँ, उड़ रहा हूँ, यहीं से है कहते हैं स्वर्ग का रास्ता। देखते हैं आ गई जा वो जी, आज बुरे हाल हो गए हैं इतने में ही। हेलो दोस्तों, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है, आज है 29 जनवरी, संडे का दिन है। तो चलिए बने रहें आप वीडियो के साथ, करते हैं हम एक और नए वीडियो की शुरुआत। तो हो चुका है हमारा नहाना धोना, अभी हम आए हुए हैं छत में, बढ़िया सी धूप आई है तो हमने सोचा थोड़ी देर धूप सेक लें। धूप सिकाई चल रही है हमारी। तो इसके बाद हमारा खाना तो बन चुका है, बस अब खाएंगे अभी थोड़ी देर में, उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने, तो दिखाएंगे आपको कि कहाँ जा रहे हैं। और पीछे देखिए एकदम हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पूरे, और सूरज देखिए एकदम तेज धूप है, आज हल्के फुल्के बादल भी हैं मौसम में। तो हो चुके हैं हम रेडी, अब चलते हैं घूमने, आपको मिलते हैं ठीक लोकेशन में। तो पहुंच चुके हैं हम विशन गांव में, कर्णकड़ायत है इस जगह का नाम। यहाँ से ऊपर को जाते हैं बाणासुर के किले को, ये गेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं बाणासुर के किले में। यहाँ पर आप पहुँच के इस वाले रास्ते में जाएंगे, ये वाला रास्ता आपने छोड़ना है। यहाँ से आपने इस रास्ते में करीब 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ के ऊपर तक जाना होगा, तब आप पहुँचेंगे बाणासुर के किले में। और मौसम देखिए, दिन में तक एकदम साफ था और अभी अभी पूरा बादल ही बादल आ गए हैं आसमान में, एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ, लोगों के तो बुरे हाल हो गए हैं इतने में ही। देखिए आप, इतना भी नहीं चल पा रहे हैं ये। कौन कह रहा है मैं नहीं चल पा रहा हूँ? ये है बिशन गांव, 20 गांवों का समूह, तब इसे नाम दिया गया बिशन। अच्छा, 20 गांव है कहते हैं यहाँ। रास्ते में ऊपर को आपका आना है सीधे सीधे, खड़ा रास्ता देखते ही आ जाओ सकते। ये ऊपर हमने जाना है, वो चोटी आप देख रहे हो, ये है बाणासुर का किला, जहाँ कहते हैं बाणासुर रहा करता था, यहीं से है कहते हैं स्वर्ग का रास्ता। देखते हैं आज मिल पाता है या नहीं हमें स्वर्ग का रास्ता। ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं बहुत जगह, एक ऊपर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चढ़ रहे हैं हम खड़ी चढ़ाई को, भयंकर चढ़ाई है, थोड़ा बहुत सीधा भी कहीं पर दिख रहा है तो फिर चढ़ाई हो जा रही है। काफी सुंदर नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए। लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ बाणासुर के किले तक, तो देखते हैं अभी कितना है। अभी तो बस हमने सुना ही है कि इतना दूर है। आ गई जा वो जी, आज इतना चलने में ही, तभी कहती हूँ कभी कभी पैदल भी चल लिया करो। रास्ता तो बनाया ही गया है यहाँ पूरा, देखते हैं कि ऊपर कैसा है। यहाँ शायद आग भी लगी हुई थी आजकल में, और यहाँ एक चेयर भी बनाई गई हुई है सीमेंटेड रेस्ट करने को, और देखिए यहाँ पर भी रेस्ट करने के लिए बनाया गया है। ये देखिए थोड़ी देर बैठेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ऊपर चलने में थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। चलते चलते पहुँच गए हैं इसी स्टॉप पर, ये इतनी चढ़ाई पे है ये जगह। अगर आप आएँ तो साथ में पानी की बोतल वगैरह ज़रूर लेके आएँ, हम तो खाली वैसे ही आ गए, अब प्यास लग रही है। यहाँ से नज़ारे भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है पूरी हिमालय श्रृंखला, लेकिन अभी धुंधली उससे दिख नहीं रही है। यहाँ देखिए, थकान मिटाने के लिए आप बैठ सकते हैं, यहाँ काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए हम कितने ऊपर पहुंच चुके हैं,
रोड आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। यहाँ झाड़ी कटान वगैरह भी नहीं किया गया है। उत्तराखंड टूरिज्म यहाँ की उसमें कोई ध्यान नहीं देता है, नहीं तो ये भी घूमने की जगह बहुत बढ़िया है। एक चीज जो लोगों के सामने आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। यहाँ देखिए ये बोर्ड भी कैसा पुराना हो गया है। पहुँच चुके हैं हम, ये है सीढ़ियाँ जो सीधे किले को जाती हैं। लता कह रही है मैं सीढ़ियाँ गिनती हूँ, गिन के मेरे को भी बताना बाद में। देख सकते हैं कितना ऊपर पहुंच गए हैं हम। देखिए लता चली गई आगे आगे पहुंच गए। यहाँ 38 सीढ़ियां है, ये देखिए सीधे वहां से यहाँ तक 38 सीढ़ियां है। तो पहुंच चुके हैं फाइनली बाणासुर के किले में। टूरिज्म के पर्पज से यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है। ये हैं सारे टॉप, ये देखिए ये है आपका किला, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर व्यू पॉइंट बना गया है। पहले यहाँ पर चलते हैं, व्यू पॉइंट में जाते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा बाणासुर का किला। ये है व्यू पॉइंट, सबसे टॉप में पूरा बाणासुर का किला यहाँ से दिखता है। ये देखिए और भी काफी सुंदर नजारे हैं यहाँ से, पूरा पिसंगाँव। शटर की आवाज काफी हो रही है। इधर को भी कोई गांव है उनका आइडिया नहीं है मुझे, आपको पता होंगे तो कमेंट में जरूर बताएं। ये देखिए काफी सुंदर नजारे हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे सारा पूरा खंडर हो गया है। यहाँ की कथा ये कहते हैं कि विष्णु भगवान ने यहाँ बाणासुर का वध किया था, उसकी छोटी सी कहानी है मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, उसको एक लड़का पसंद था, वो था विष्णु भगवान का पौत्र, अनिरुद्ध नाम था उसका, तो उसे पसंद करती थी। तो ये बात बाणासुर को जब पता चली तो बाणासुर ने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। उसके बाद जब विष्णु भगवान को ये बात पता चली कि अपहरण हो गया है, तो विष्णु भगवान यहाँ आए और बाणासुर का वध किया कहते हैं। लेकिन किंतु बीच में ये बात भी आती है कि विष्णु भगवान के साथ महादेव भी यहाँ आए। महादेव ने बाणासुर को वरदान दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूँगा, बाणासुर ने घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। तो कहते हैं विष्णु भगवान ने जैसे ही सुदर्शन चक्र चलाया तो महादेव यहाँ आ गए और महादेव ने उनकी रक्षा करी। बाणासुर कहा जाता है कि 100 भुजाओं वाला था, 100 हाथ थे उसके, 50 इस तरफ 50 इस तरफ, तो वो सारी भुजाएं जब काट दी तो उसका अहंकार दूर हुआ, तो तब से वो सुधरा या मरा जो भी है वो कहते हैं। और दूसरी कहानी इसकी कहते हैं कि चंद राजाओं की जब राजधानी थी चंपावत, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा चंपावत भी दिखता है, पूरा व्यू बहुत शानदार आता है यहाँ का। यहाँ जब चंपावत चंद राजाओं की राजधानी थी तो ये टॉप वाली जगह है, तो यहाँ उन्होंने एक किला बनाया है जो आप ये किला देख रहे हैं। यहाँ इसलिए बनाया किला क्योंकि ये टॉप वाली जगह है, यहाँ से वो रक्षा कर सकते हैं अपनी और सुरक्षित रह सकते हैं, कोई आक्रमण भी करेगा तो नीचे सीधे देख सकते हैं, ऐसी जगह ये है। ये तो कहानियाँ यहाँ की प्रचलित हैं। अभी हम घूम रहे हैं यहीं, अभी व्यू पॉइंट में हैं, व्यू पॉइंट से नज़ारे दिखाते हैं आपको।
इधर भी गांव वहाँ दिखते हैं, हिमालय रेंज दिखती है, ये देखिए हिमालय रेंज दिख रही है। तो चलते हैं यहाँ से नीचे को और दिखाते हैं आपको ये जो खंडर बने हैं, कमरे हैं, ये कमरे हुआ करते होंगे। स्वर्ग का रास्ता भी यही है, इसलिए भी कह रहे होंगे कि जब बाणासुर इसको बना रहा था, काफ़ी ऊंचाई बना रखा है, स्वर्ग तक पहुंचने वाला होगा, तो तब स्वर्ग का रास्ता है कहते होंगे यहाँ से। इतर गए हैं नीचे हम, ये देखिए यहाँ लता को कुछ मिला है। यहाँ पर एक शिलालेख भी मिला हुआ है हमें, जिसमें एक मूर्ति टाइप की भी बनाई गई है, पता नहीं किसकी होगी ये। ये व्यू पॉइंट में अभी तक थे हम, शटर वाला बनाया गया है, यहाँ कमरे हैं ये। पूरी टॉप वाली जगहें हैं, एक लोकेशन में लता पहुंची है यहाँ, ये यहाँ भी चढ़ के काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ से, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, नीचे जंगल है पूरा, नीचे तो पूरा जंगल ही जंगल है, देख सकते हैं आप। ये है आपकी देवीधुरा पाटी वाली रोड, लोहागढ़ देवीधुरा पाटी। आसमान यहाँ से दिख रहा है जैसे यहीं पर हो, देख सकते हैं जैसे मैं आसमान में ही हूँ, उड़ रहा हूँ। लता की यहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है, ऐसी जगह में आके फोटो नहीं खींची तो क्या किया। तो चलिए बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ, चलते हैं यहाँ से नीचे को। यहाँ भी कमरे हैं ये, ये देखिए पूरे खंडर बन चुके हैं ये कमरे, पूरा खंडर है ये। ये देखिए सब कमरे हैं, इधर से जाओगे उधर को, उस टाइम में काफी शानदार होता होगा ये, अभी तो पूरा झाड़पात भी ऐसे हो गया है, सब झाड़पात ही दिख रहा है हमें। साफ सफाई भी यहाँ कुछ नहीं की गई है, उत्तराखंड टूरिज्म को यहाँ ध्यान देना चाहिए, इतनी लोहाघाट में बहुत प्रसिद्ध जगह है ये, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देगा तो कैसे चलेगा। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, ये है शायद स्नान ग्रह होगा ये, स्विमिंग पूल नहीं है, स्नान ग्रह है ये। यहाँ पानी भी जमा होता होगा, काफी ऊंची जगह में है, लोहाघाट में वैसे पानी की कमी है तो यहाँ पानी एकत्र करके रखा जाता होगा। यहाँ पर छोटे छोटे होल भी बनाए गए हैं, दिखाती हूँ आपको, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे होल बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, शायद ये अपनी सेफ्टी पर्पज के लिए बनाए गए होंगे, जिससे कि कोई बाहर का यहाँ आक्रमण न कर पाए। ये स्विमिंग पूल आपने देख ही लिया, ये जगह है बाणासुर का किला, बाणासुर फोर्ट, इसका सुधार होना चाहिए। यहाँ से सीढ़ी है इसकी, ये देखिए यहाँ से आप जा सकते हैं नीचे को, लेकिन जाना उचित नहीं है अभी, बहुत ज्यादा घास भी हुई है नीचे ना। चलिए आगे को बढ़ते हैं, पूरा वही है यहाँ और कुछ नहीं है, खंडर बन चुका है पूरा। तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये भी उत्तराखंड टूरिज्म के उसमें आ जाए, फिर यहाँ का शायद कुछ सुधार हो। एक व्यू पॉइंट है,
यहाँ चढ़ के दिखाते हैं आपको। यहाँ से पूरी नीचे भी है क्या कुछ? नीचे कर्णक रायत गांव बिसंग गांव पूरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये पूरा कर्णक रायत वाला एरिया है। इधर कोई चंपाव दिखाई दे रही है, ये लोहाघाट देवी धोरा रूट। तो चलते हैं यहाँ से अब वापस घर को। शाम को ये वीडियो एडिट करके आपको देनी भी है, तभी आप देख पाएंगे। तो ये है बाणासुर का किला, वीडियो आपने देख ली। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक बाय बाय, टेक केयर।